पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू। बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी। सो हेलो गाइस, नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। अभी जो वीडियो है वीडियो बनाने का परफॉर्मेंस है, वीडियो का स्टेप बाय स्टेप पूरा जैसा वीडियो का स्किप नहीं करना है। वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देगा। हमारे चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दो ताकि वीडियो हम डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसमें सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाए, वहाँ से स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करके वीडियो को बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना बकवास करते हुए, बिना इंट्रो को। सो गाइस, अभी जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जो कि है काइनमास्टर। काइनमास्टर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन हम दिए हुए हैं, जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो ओपन करना क्या करना, आप यहाँ से क्रिएट नाउ जो बटन दिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, इस पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पर 60.9 रेशियो सेलेक्ट रहने देना है और नीचे क्रिएट बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए आपको इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करना है तो क्या करना, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस ओपन है। तो आप क्या करना है, मोबाइल फोन को रोटेट कर देना है। रोटेट करना है तो कुछ इस तरह के यहाँ पर दिखेगा। तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड एक इमेज को सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप यहाँ देखिए इमेज एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा सबसे फर्स्ट में, इस पर क्लिक करके यहाँ से व्हाइट कलर को सेलेक्ट करके और यहाँ से एरो का आइकन क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाना है, यानी कट कर देना है। उसका इसको लेंथ को बढ़ा देना, ठीक है। हम इसको लेंथ को 30 सेकंड तक कर देते हैं, उसके बाद एडियो के हिसाब से इसको यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम 30 सेकंड तक कर दिए। इसके बाद क्या करना है, वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको समझने में और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको वीडियो को आसानी से इसको डाउनलोड कर लेना है, सारा मटेरियल को आसानी से वीडियो को बना सकते हैं, ठीक है। और हमसे अगर वीडियो अगर बनवाना चाहते हैं तो नीचे कोई आपको डिस्प्ले पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा जो कि व्हाट्सएप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो वीडियो का आप मुझे लिंक भेजिएगा, हम उस तरह की वीडियो आपको बना के दे देंगे। कुछ इसके लिए कुछ थोड़ा सा कुछ प्राइज आपको देना पड़ेगा जो कि ज़्यादा प्राइज नहीं है, मात्र 100 रुपया प्राइज है। 100 रुपया के लिए आपको वीडियो किसी भी तरह की वीडियो आपको बना के हम दे देंगे। जाकर वीडियो को सिर्फ लिंक भेजिएगा कि हमको इस तरह की वीडियो बनवाना है, तो आपको हम वीडियो और आपका इमेज भेजिएगा, आपका इमेज के साथ हम आपको बना कर भेज देंगे, ठीक है। आप क्या कहना है, देखिए यहाँ पे एक वीडियो का यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ से लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिएगा और यहाँ से आपको डाउनलोडिंग चल जाना है। और देखिए मेरे पास यहाँ पे एक टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। इस टेम्पलेट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको क्या करना है, कुछ इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर देना, ठीक है। जैसे रोटेट करिएगा, रोटेट करना है तो क्या करना है, इसको घिसका के इस तरफ ले आना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से इस पोजीशन पर आपको एडजस्ट कर देना, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट कर देगा। अब क्या करना है, वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को मिस नहीं करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे यहाँ आप देखते हैं क्रोमा के ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करना है तो क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे स्विच दिख रहा है, स्विच को ऑन कर देना है। ऑन करके देखिए आपको कुछ इस तरह से यहाँ दिखेगा। तो आपको सिंपली देखिए कुछ इस तरह से, देखिए जो ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ से आपको यहाँ से रिमूव करना होगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ग्रीन कलर को यहाँ से हटाना होगा ताकि वीडियो जो परफेक्ट लगा, देखिए इस तरह से इसके अंदर जो इफेक्ट इस तरह से यहाँ पर इफेक्ट दिखने लगा, ठीक है। इतना बेहतरीन लग रहा है, आपको इस तरह से कर लेना है। ऊपर वाला को 32% कर देना है, नीचे वाला को 68% कर देना है। और यहाँ से ग्रीन कलर अगर सेलेक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ की कलर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो कलर है आपको ग्रीन कलर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह से ग्रीन कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके यहाँ से सहयोग के आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करिएगा, आपका देखिए इमेज कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पर देखिए कितना परफेक्ट जगह इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट यहाँ से छोटा बड़ा कम बेसी आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा किस तरह से सही है या नहीं, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम इसको और कुछ कर देते हैं, चलिए आप सही है। इस तरह से आपको कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है, वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। आप इसके अंदर एक इमेज लगाना है, इमेज कैसे लगाना वो भी स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। उसका लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है। वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। इसके देखिए यहाँ पर एक इमेज का, देखिए मेरे पास बहुत सारा इमेज है। पहले हम इस लड़के वाला इमेज को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके उसको क्या करेंगे, लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाना है, देखिए जो यहाँ देखिए टेम्पलेट पर ध्यान देखिएगा। देखिए टेम्पलेट जहाँ तक खत्म होगा उसी पोजिशन में आपको इस इमेज को रखना है। टेम्पलेट देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर टेम्पलेट देखिए खत्म हो रहा है, ठीक है। इस जगह खत्म हो रहा है। आप क्या करना है, इस इमेज वाला लड़के वाला इमेज पर क्लिक करना है, कैंची का आइकन क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करके अब इस लड़के वाला इमेज को इसके ऊपर एडजस्ट करना, ठीक है। इसके लिए क्या करना, आपको इस पोजीशन पर ले आइएगा। यहाँ पे इसको साइज को इस तरह से बड़ा कर लेना। इस तरह से बड़ा करके 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। इसको सेंड टू बैक कर देना। बैक करिएगा, देखिए जो आपका जो टेम्पलेट के अंदर देखिए जो आपका जो इमेज है लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, आपको इस लड़के वाला इमेज को लास्ट में आ जाना है, फिर से लेयर क्लिक करना है, फिर से मीडिया क्लिक करना है, फिर से डाउनलोडिंग जाना है और हम दूसरा का लड़के का इमेज को यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे टेम्पलेट के हिसाब से और इसको इस पोजिशन में लाकर बाकी पार्ट को यहाँ से क्या करेंगे कट कर देंगे, ठीक है। कट कर देना आपको। इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको रोटेट कर देंगे क्योंकि जो लड़की का जो इमेज है ये कुछ इस तरह से इस तरफ घुमा हुआ, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे इस तरफ घुमाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से मोबाइल फोन का आइकन दिख रहा है रोटेट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करके अब क्या करना है, इसको टेम्पलेट के हिसाब से इसको सेट करना करना है, ठीक है। इसको हम इस पोजीशन पर ले आएंगे और इसको क्या करेंगे, साइज को इस तरह से बड़ा कर लेंगे। थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। बैक कर दिए, देखिए परफेक्ट तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब क्या करना है, इस इमेज को लास्ट में आ जाना है, फिर से लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको 4 से 5 इमेज को आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास देखिए 5 इमेज है, 5 इमेज को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं इसमें और क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए यहाँ पर, देखिए पूरा हम देखिए आप अपना इमेज को लगा लीजिए कुछ इस तरह से। जैसे इमेज को टेम्परेट के अंदर लग जाएगा, आप क्या करना है वीडियो को पूरा फर्स्ट माना, ठीक है। जैसे फर्स्ट मानेगा उसका लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है मेरे पास, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर से डाउनलोडिंग चल जाना है। और देखिए मेरे पास यहाँ पे एक बैक जो ब्लैक देखिए इफेक्ट का जो इमेज है, इस इमेज को आपको लेना, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको लेयर को बढ़ा लेना, ठीक है। जिससे बता रहे सेम प्रोसेस करिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से इसको क्या करना, बढ़ाना। इसको क्या करना, थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से, और इसको क्या करेंगे इस जगह पर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। आपको भी कुछ इस तरह से इस जगह पर लगा देना है। इसको साइज को थोड़ा सा छोटा करना है, थोड़ा छोटा करके और इसको इस पोजीशन पर यहाँ पर लगा देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। आपको इस तरह से लगा दीजिएगा। लगाने तो क्या करना है, इस इमेज पर क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है और ब्लेडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसको क्या करना है, आपको देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने में क्या करना है, इसको वीडियो को फर्स्ट में आ जाइए, पूरा फर्स्ट में आइए, उसका लेयर क्लिक करिए, फिर से आपको मीडिया पर क्लिक करना है, फिर से हम यहाँ से इमेज में जाएंगे और इस बार जो हम इस लड़के वाला इमेज को क्लिक करेंगे, ठीक है। आप इस जगह अपना इमेज को यूज़ कर सकते हैं, किसी दोस्त किसी फ्रेंड का इमेज को यूज कर सकते हैं, या आप इसको इस लड़के का इमेज को यूज़ करना चाहते हैं। इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब क्या करना है, इस लड़के के इमेज को क्या करें, रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के लिए इस रोटेट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर देंगे, क्लिक करके और इसको लड़के वाला इमेज को हम इस पोजीशन पर कुछ इस तरह से इसको लगा देंगे। उसका एरो का आइकन पर क्लिक करके बैक आना है, उसका सबसे नीचे जाना है और ऐसा ब्लेडिंग वाला ऑप्शन क्लिक करके इसको स्क्रीन पर सेट कर देना, ठीक है। इसको स्क्रीन पर कुछ इस तरह से सेट कर दिए। इसको साइज को अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा और इसको एडजस्ट अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं, चलिए। अब परफेक्ट तरीके से एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। आपको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना, साइज को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, चलिए, ताकि इसमें जो परफेक्ट तरीके से फिक्स हो जाए। और देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से एडजस्ट हो चुका है। आपको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना, ठीक है। जैसे एडजस्ट हो जाएगा, आप क्या करना है, फिर से वीडियो को फर्स्ट माना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, फिर से डाउनलोडिंग जाना है। और देखिए मेरे पास यहाँ पर म्यूजिक टेम्पलेट का एक वीडियो है, ठीक है। तो म्यूजिक टेम्पलेट वीडियो को आपको यहाँ से ले लेना है। इसको लेना है, क्या करना है, इसको साइज को छोटा करेंगे और छोटा करके हम इसको क्या करेंगे इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। आपको भी कुछ इस तरह से इस जगह पर लगाना है। इसके लिए क्या सबसे नीचे जाना है और यहाँ से ब्लेडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपके स्क्रीन पर सेट कर देना है। इसको सेट कर दीजिएगा, सॉरी मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई पर क्लिक करके और इसको इस जगह पर कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। फिर से एरो का आइकन पर क्लिक करिए, बैक आइए, फिर से वीडियो को फर्स्ट में आइए, फिर से लेयर पर क्लिक करिए, मीडिया पर क्लिक करिए और जैसे मीडिया पर क्लिक करिएगा फिर से डाउनलोडिंग चल जाना है। और देखिए इस बार देखिए मेरे पास यहाँ पर रिलिक्स वीडियो है, इसको आपको लेना है, ठीक है। इसमें जो इस वीडियो हम ज़्यादा यूज़ किए, वीडियो ही का यूज़ हुआ है, इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा वीडियो का यूज़ हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, इस जो रिलिक्स वीडियो है इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको साइज को छोटा करना है और इसको इस पोजिशन पर यहाँ पर लगा देना, ठीक है। अब देखिए इसको भी क्या करना है, इसके अंदर भी इफेक्ट का यूज़ करना है, जो कि जाना आपको यहाँ से ब्लेडिंग वाला ऑप्शन पर और यहाँ से आपको इसको भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से देखिए आपका जो इमेज है, सॉरी आपका जो वीडियो है, ये जो रिलिक्स वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करना है तो क्या करना है, वीडियो को पूरा फिर से फर्स्ट में आइए, फिर से आपको यहाँ से लेयर क्लिक करना है, यहाँ देखिए लेयर क्लिक करिए, मीडिया पर क्लिक करिए। इसमें और एक हम वीडियो को ऐड करेंगे, जो कि देखिए मेरे पास यहाँ बिग वाला जो वीडियो है, पक्षी वाला वीडियो, इसको आपको लेना, ठीक है। बीच वाला जो आप वीडियो इसको ले लीजिएगा। लेने में तो क्या करना है, इसको इस जगह पर यहाँ पर एडजस्ट करना है, इसको इस पोजीशन पर यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिएगा इस जगह पर। और इसको क्या करना है, इसको भी सबसे नीचे जाइए और यहाँ से इसको भी ब्लेडिंग वाला ऑप्शन क्लिक करना है, इसको भी क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई करके फिर से एरो का आइकन क्लिक करिए और यहाँ से आपको बैक आ जाना है। कुछ देखिए यहाँ तक का देखिए आपका जो वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस वीडियो को हम प्ले करके आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना, ठीक है। इसके अंदर और इफेक्ट का यूज करना था कर सकते हैं। मेरे पास एक टेम्पलेट यहाँ पे और मेरे पास एक टेम्पलेट है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको लाइटिंग को टेम्पलेट को यहाँ से सेलेक्ट कर, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको क्या करना है, कुछ इस तरह से इसको रोटेट कर देना है। रोटेट करना है, इसको पूरा डिस्प्ले पर पूरा फुल कर देना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पोजीशन में ले आएंगे और इसको पूरा हम डिस्प्ले पर पूरा फुल कर देंगे, कुछ इस तरह फुल कर देना है। सबसे नीचे जाना है और यहाँ से ब्लेडिंग वाला ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से इसको देखिए इसको क्या करना है, स्क्रीन पर सेट कर देना, ठीक है। इसको स्क्रीन पर सेट कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से देखिए इसको ना जो इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ इस तरह देखिए आपका जो वीडियो है यहाँ तक का बन जाएगा, ठीक है। कुछ बेहतर कितना बेहतरीन लग रहा है। इसके अंदर जो आपको फ्लावर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसके लिए लेयर क्लिक करिए, मीडिया पर क्लिक करिए, फिर से डाउनलोडिंग चल जाइए। मेरे पास एक फ्लावर है, इस फ्लावर को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस फ्लावर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करके हम इसको इस जगह पर कुछ इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं। इसको लेयर को पूरा हम लास्ट तक कर देंगे, ठीक है। आपको भी लेयर को लास्ट तक कर देना है। लास्ट तक करने में क्या करना है, इस वीडियो को हम आपको प्ले करके दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बनाना है, ठीक है। इस तरह पूरा लास्ट तक कर देना है और इसको यहाँ से वीडियो को हम प्ले करते हैं। पहले इसको क्या करना है, जो रिलैक्स वीडियो था इस पोजिशन पर ले आना है और यहाँ से बैकग्राउंड को क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करिए और यहाँ से कैची का क्लिक करिए, रिमूव ट्रिम टू राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से जो यहाँ से बाकी पार्ट होगा ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, वीडियो को हम आपको प्ले करके दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बनाना, ठीक है। वीडियो को प्ले करिएगा, कुछ इस तरह की वीडियो आपको देखने में लगेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल दो ताकि इस तरह वीडियो हम डालते रहते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल रहे हैं। डिस्प्ले पर देते हैं, देखिए दो वीडियो और शो करा किसी वीडियो क्लिक वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।